आपके, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमारे पास क्लाइंट आता है अक्सर हाइलाइट्स करवाने, ठीक है, जैसा कि अभी हमारे पास बाल है, इसमें हमने हाइलाइट्स भी किया हुआ है और इसका बेस कलर भी जो है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो अब कुछ महीनों के बाद, जैसे कि 2 मंथ गुजर जाता है, 3 मंथ गुजर जाने के बाद जो है वो न्यू ग्रोथ हमारे बालों पे यानी कि आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे रूट्स जो है वो जब नई ग्रोथ हो जाती है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होता है, यहाँ तक हमारा बालों का कलर और लग रहा होता है, यहाँ पे हमारे बालों का कलर जो है वो और लग रहा होता है, ठीक है। तो इस कलर को हम इक्वल करने के लिए कि हम यहाँ पर जो है वो एक कलर लगा देते हैं, जिसे टोनिंग आप कह सकते हो। हम इस तरह से टोनिंग करेंगे कि ये वाला बालों का कलर इसके साथ ना मैच, ब्लेंड हो जाए, ठीक है। इसको ब्लेंड करने के लिए जो है हम कलर नंबर ट्यूब जो है वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको एश ग्रीन में करने वाले हैं। और एश ग्रीन कलर के लिए मैंने जो हमारा डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स हैं क्यूने ब्रांड के, ठीक है, शेड कार्ड में आप देखेंगे तो वहाँ कुछ डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स हैं, उसमें से जो है वो मैंने 1519 नंबर लिया है, ठीक है। और 1519 नंबर की एक ट्यूब जो है वो मैं इसमें यूज़ करूँगी, जितनी हमारे बालों की लेंथ है इसमें ये इनफ होगी, ठीक है। और इसके साथ ही जो मैं इसमें डेवलपर यूज़ कर रही हूँ, मैं दो डेवलपर्स को जो है वो मिक्स करने वाली हूँ। एक मैं इसमें 10 वॉल्यूम को यूज़ करूँगी, ठीक है, और एक मैं 20 वॉल्यूम को यूज़ करूँगी, क्योंकि जो हमारे डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर्स होते हैं उसकी रेशो डबल होती है, ठीक है, डेवलपर की। तो मैंने जैसे 60 ml की हमारी एक ट्यूब थी, ठीक है, मैंने इसमें 60 ml ही जो है वो 10 वॉल्यूम को ऐड किया और 60 ml ही जो है वो 20 वॉल्यूम को जो है वो यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम रूट्स में इस कलर को लगाने वाले हैं, ठीक है, तो रूट्स में आप जो है वो 10-20 से ऊपर कोई वॉल्यूम को यूज़ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी तरह की स्किन पे एलर्जी हो सकती है, ठीक है, या इरिटेशन हो सकती है। तो इसलिए मैंने 10 और 20 को हाफ ऑफ जो है वो मिक्स किया है। और अब मिक्सचर को हम इस तरह से फेंट लेंगे जैसे एक अंडे को जो है वो अच्छे से फेंटा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे से, तकरीबन 5 से 5 मिनट तक आप इस मिक्सचर को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लें, ठीक है। और मिक्स करने के बाद जो है आप अपने हाथों में जो है वो ग्लव्स वियर करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। जब आपके हाथों में ग्लव्स होते हैं तो जब आप केमिकल्स वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, आपको सारा काम जो है वो अपने हाथों से करना होता है। तो ऐसे में आप ये रिस्क मत लिया करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि हमें तो कुछ नहीं होता, तो हम तो बग़ैर जो है इसको यूज़ किए, ग्लव्स को यूज़ किए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है, जब आपके हाथों पर ये केमिकल लग जाता है, ठीक है, ना आपके सिर्फ हाथ ही डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है, किसी तरह का भी प्रॉब्लम आपको हो सकता है, बल्कि आप उन्हीं हाथों को अगर साबुन से भी वॉश कर लेते हैं तो जब आप कुछ खाने पीने की चीज़ में किसी तरह से भी हाथों का से आपके जो ये तेज़ केमिकल्स हैं ये आपके पेट के अंदर भी जा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या आपके आइज़ के साथ भी जो है वो टच हो सकते हैं। इसलिए जितनी देर आपने काम करना है अपने हाथों में जो है वो ग्लव्स लाजमी पहन लें, ख़ास तौर पर जब आपने केमिकल के साथ जो है वो खेलना होता है, केमिकल के साथ काम करना होता है, तो आप लाजमी अपने हाथों में जो है वो ग्लव्स वियर कर लिया करें। सेक्शन जो है हम 4 सेक्शन में अपने बालों को जो है वो डिवाइड करेंगे। फ्रंट के 2 सेक्शन जो ईयर टू ईयर होंगे उनको हम बाद में जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और बैक वाले बालों से जो है हम शुरू करेंगे। और कलर को अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले 4 सेक्शन में जो है अपने बालों को डिवाइड कर लिया है, ठीक है। 2 सेक्शन हम लोगों ने बैक पर जो है वो बना लिए हैं, ठीक है, और 2 सेक्शन ही हमने जो है वो फ्रंट पर रखे हैं। तो सबसे पहले बैक से जो है वो अप्लाई करना शुरू करेंगे अपने प्रोडक्ट को, जो कि हमने मिक्सिंग की करके जो है वो रख लिया हुआ है, ठीक है। और अब हम छोटे छोटे स्टेप के छोटे छोटे सेक्शंस को जो है वो पकड़ेंगे और उन सेक्शंस पे जो है वो हम इस तरीके से प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है हमारे पूरे बालों पर जो है वो इक्वल एक जैसा जो है वो ब्लेंड हो। और उसका तरीका जो है वो इस तरह होगा कि आपको प्रोडक्ट लगाना है अपने हाथों के साथ या फिर अपनी कोम्ब के साथ, जो है जिस तरह से भी आपको ईजी रहे, आपने अपने जो का प्रोडक्ट है उसको ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो लेके आना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को नीचे की तरफ लेके आएंगे और इस तरह से जो है वो अपने बालों को जो है वो आप छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल हैं और हम बहुत ज़्यादा इससे काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी जो है वो कलर की एप्लीकेशन कर लेते हैं, और हमारे बिगिनर्स को जो है वो हमें देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी वे है, और वो भी जब इस मेथड के साथ प्रोडक्ट लगा रहे होते हैं तो उनका रिज़ल्ट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा होता है, ठीक है। कहीं पर बहुत लाइट कलर आ जाता है, ठीक है, ये और ख़ासतौर पर ये उस वक्त होता है, उस पोजिशन में होता है जब आप 30 या 40 वॉल्यूम से जो है वो अपनी कलर की एप्लीकेशन कर रहे होते हो, ठीक है। तो अगर आप
10 से और 20 के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो उस वक्त भी आपकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके पूरे बालों पर जो है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से जो है वो लगना चाहिए। कहीं भी कम या ज़्यादा आपका प्रोडक्ट हुआ तो आपको जो है यही मसला दरकार होगा कि कहीं पर जैसे अभी आप देखेंगे रूट्स में आप अपने बालों का कलर इस कलर को लगा रहे हैं, ठीक है, रूट्स में कहीं आपका कलर आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, लग रहा है कहीं प्रॉपर तौर पर आपके हर बाल तक नहीं पहुँच रहा है, तो फिर क्या होगा कि कुछ बाल आपके जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो डार्क ही नज़र आएंगे और कुछ बाल जो है वो लाइट नज़र आएंगे, तो फिर वो हो जाएगा ना एक गंदा सा पैची सा लुक, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आपको अपना डाई करना पड़ता है, ठीक है। और आप देखेंगे हम छोटे छोटे सेक्शन लेते चले जाएंगे और पूरे हेड पर हमें इसी पोजिशन में जो है वो कलर लगाना है, ठीक है, और इस सेक्शन बाई सेक्शन जो है वो हम लोगों ने काम करना है। आपने हेयर का कोई भी काम करना है आपने हमेशा सेक्शंस के साथ जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो आपने काम करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही बार पूरे बालों को पकड़ें और एकदम से जो है वो सारे बालों को कलर लगा दें। मैंने बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस भी जो है वो देखी हैं कि जो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है, तो ये बहुत ईजी है और वो एक ही बार में कलर को जो है वो अब बालों में लगाने की कोशिश करती हैं और बाद में उनके बालों का जो रिज़ल्ट आता है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। तो आपने काम जो भी करना है उसको डिसिप्लिन के साथ करना है, उसको बिल्कुल सेक्शंस जो हैं वो बनाकर उसके बाद ही जो है वो उस पर काम आपने करना है।
और फ्रंट वाले बालों को भी हॉरिजॉन्टल शेप में ही हम लोगों ने सेक्शन करने हैं, और उसी मेथड के साथ ही छोटे छोटे सेक्शन उठाते हुए जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो अप्लाई करना है, और कॉम की मदद से और या फिर अपने हाथों के साथ अच्छे तरह से उसे जो है वो ब्लेंड करना है। मकसद ये है कि आपका प्रोडक्ट आपके हर एक बाल पर प्रॉपर पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो इसी मकसद को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट को अप्लाई करना है, और बहुत बारीकी के साथ जो है वो आपने अपने कलर को अप्लाई करना है। और यही मेथड तब होता है जब आपके घर में, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है, आपकी अम्मी या कोई आपकी फैमिली में ऐसा होता है कि उन्हें अपने वाइट बालों को कवर करने के लिए जो है वो डाई को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उस सूरत में भी आप इसी पर जो आपका प्रोसीजर होगा इसी को ही आप दोहराएंगे, और आप स्टेप बाय स्टेप सारे बालों पर। और अभी चेक करें कि हमारा ओनली 10 मिनट ही जो है वो गुजरे हैं, क्योंकि हमारे बालों का टेक्सचर जो था वो सॉफ्ट था, ठीक है। तो बालों ने जो है वो कलर को पकड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। हम इसे तकरीबन 25 मिनट के लिए जो है वो छोड़ देंगे। इसको आप रैप करेंगे और ऊपर एक शावर कैप के साथ जो है वो आप इसको जो है वो यानी कि ढांप दें, ठीक है। और फिर वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। और वॉश करने के बाद आप देखें कि हमें एश ग्रीन कलर का कितना खूबसूरत शेड जो है वो मिल गया है, और आपके जो ऊपर वाले बालों का एक प्रॉब्लम था कि आप कैसे इसको हाईलाइट करें, तो वो भी आप देखें कि ये हमारा ऊपर वाला जो है वो बाल ब्राउन हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ये ऊपर से नीचे तक इक्वल जैसे हमारा ओम्ब्रे बले आ जाता है, ठीक है, सेम उस वैसे का जो है ये कलर आपको जो है वो लग रहा है। तो बहुत सारा आप बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट भी मुझे मिलते हैं कि प्लीज़ हमने रिफ़्रेश कराना है अपने कलर को, तो आप इस तरीके से रिफ़्रेश करा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर किसी के अंदर वाइट बाल हैं तो उसका भी एक डिफरेंट मेथड है जो आप लोगों के साथ अनकरीब शेयर करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।